हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राजेश कुमार शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग लाइफ प्रोसेसेस। इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। Today we are going to discuss respiration. Okay. First, try to understand. In case of digestion in human beings, the food products which are digested in the alimentary canal or digestive system in simple and soluble forms, a food particle that is amino acid, glucose and fatty acid, these are interconvertible, okay, and generally in respiration glucose is utilized for breakdown and release of energy. These simple forms, amino acid, glucose and fatty acid, are absorbed and transported to each and every cell of the body, and where respiration or cellular respiration takes place. Clear? In the cells, the breakdown of mainly glucose takes place, and this glucose then breaks down into their component, that is water and CO2. As we have discussed, what happens in photosynthesis during formation or preparation of food by plants, there the raw material, that is CO2 and H2O, utilized by plant and make their food in the form of glucose. Clear? And in respiration this glucose break down to their component, that is CO2 and H2O. Let's start. What is respiration? Respiration is the process of oxidation or breakdown of organic compounds, particularly glucose, with the release of energy. Clear? Means C6H12O6, this is the formula of glucose, and this oxidized by oxygen, C6H12O6 plus 6CO2, 6O2 oxygen, because we are going to oxidize glucose plus 6 oxygen, 6O2, and this break down into CO2 and water. Clear? In case of photosynthesis, CO2 and water is raw material for plants, whereas here CO2 and water is byproducts. Clear? With the release of 38 ATP, means एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरे का पूरा जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो 38 ATP बनता है. क्लियर? एंड सेल्स आर यूटिलाइज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इन द सेल्स. क्लियर? नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, मीन्स कैसे जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के अंदर होता है. क्लियर? रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. व्हाट आर दोज? फर्स्ट, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट. सेकेंड, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. थर्ड वन,
रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फोर्थ वन, इलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल प्रोसेस। मीन्स जैसे हम लोग रिस्पायर करते हैं नेजल कैविटी से, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं इंस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, दैट इज़ फिजिकल प्रोसेस। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल प्रोसेस। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ ATP रिप्रेजेंट द बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर? इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड वन, दैट इज क्रेब्स साइकिल। थर्ड वन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टर्मिनल ऑक्सीडेशन। लेट डिस्कस फर्स्ट वन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड, टू पायरूबिक एसिड, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर यूज्ड एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूबिक एसिड और पायरूबेट आर फॉर्म। फर्दर कन्वर्जन ऑफ पायरूबिक एसिड डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट वन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूबिक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टार्ट्स क्रेब्स साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड वन, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूबिक एसिड ब्रेक्स डाउन आइदर इनटू एथिल अल्कोहल 2 कार्बन कंपाउंड और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। इट इज़ कॉल्ड एज एनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वन, दैट इज क्रेब्स साइकिल आर TCA साइकिल आर साइट्रिक एसिड साइकिल। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूबिक एसिड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। द स्टेप इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल। इट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड 2 क्रेब्स साइकिल्स अकर साइमल्टेनियसली फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर? थर्ड स्टेप, दैट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। द इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर एनर्जाइज्ड हाइड्रोजन आयंस अलोंग द ट्रांसपोर्ट चेन। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्लियर? दिस इज जनरल मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आफ्टर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP इज फॉर्म। दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज ऑफ दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड वेन एवर द अदर सेल ऑर्गेनलीज इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया डूइंग देयर स्पेसिफिक फंक्शंस आर एक्टिविटीज इन साइड द सेल, दे गेट एनर्जी
from mitochondria in the form of ATP. Clear? For their energy requirement and to do their activities which are assigned to them inside the cell. Clear? Means cell के अंदर जो भी cell organelles मौजूद होते हैं उनको अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? ये जो आपका एटीपी के फॉर्म में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है, तो वही एटीपी के फॉर्म में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया अदर सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोवाइड करता है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्लियर? वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.